अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की मनमानी। मैं हूं आरिफ अजीज, आप लोग देख रहे हैं मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। जैसे कि एक वीडियो सामने आया है जो एक कलवा के अस्पताल का है, जो अस्पताल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल, जहां पे डॉक्टरों की लापरवाही के बारे में तो सुना गया था, लेकिन अब एक नया मामला सामने आ रहा है जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड जो तैनात किए गए उनकी मनमानी। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पेशेंट के घर वालों से सही मुंह बात नहीं करते, उनसे गलत गलत व्यवहार करते। आपको बता दें, कुछ लोगों ने हमसे बात करते हुए ये कहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद भाई, जैसे आज आप जो है विजिट करने अपने पेशेंट के पास जा रहे थे, तो यहाँ पर कहीं आपने विजिट का बोर्ड देखा कि इतने टाइम पे विजिट? कोई विजिट का बोर्ड नहीं है, बस खाली जो है आने वाले को जो है प्रेशर पास दिखाओ, पास दिखाओ। अगर दो आदमी है, एक जाए और एक आए, इस तरह से जो है कंडीशन हमको जो है पब्लिक को जो है टाइम वेस्ट किया जाता है। फैमिली से मिलने का कोई समय है दिया है? कोई समय नहीं है। कोई इनकी जो बस इन्हीं ने जो है अपने कानून बना के रखे है, पब्लिक को जो दिक्कत हो रही है उसका इनसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा जैसे आप सुरक्षा बल से अगर बात करते हो तो किस तरीके का रवैया रहता है उनका? इनका रवैया बस जो है फाइन मार देंगे, टाइम खोटी करेंगे, पास जमा कर लेंगे, दो घंटे के बाद आओ, तीन घंटे के बाद आओ, इस तरह से जो है ये जो है कहने में करते हैं। यानी कहीं ना कहीं डराया धमकाया जा रहा है? डराया धमकाया जा रहा है, परेशान किया जाता है। हॉस्पिटल में आदमी तो परेशान आता ही है, उसके बावजूद भी ये लोग जो है इस तरह से जो पुलिस सीधा खड़े कर देते हैं, आदमी और उलझ जाता है अपने कामों से। अच्छा, इसके अलावा जैसे पेशेंट को एडमिट करते हैं उसके बाद किस तरीके का उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है, स्टाफ किस तरीके का रवैया? कोई ध्यान नहीं देता है। ध्यान वही देता है जो पेशेंट के साथ में एक आदमी होता है, वही सब जगह लेके जाता है, वही सब करता है। मतलब डॉक्टर लापरवाही करते हैं? डॉक्टर लापरवाही नहीं करता है, जो नीचे के लोग होते हैं ना वो लापरवाही करते हैं, कर्मचारी। हाँ, कर्मचारी लापरवाही करते हैं, और डॉक्टर जब तक के आएगा वो लोग एकदम सही रहेंगे। डॉक्टर को लगे ऐसा मैं एकदम सही हूँ, डॉक्टर को लगे ये सही है हमारे कर्मचारी। अभी जैसे आपने कहा डॉक्टर पेशेंट के में एक आदमी रहता है, ठीक है, अगर उसको टेस्ट करवाना रहा बाहर और का पेशेंट को, पेशेंट की देखभाल कौन करेगा? वो आदमी तो जाएगा टेस्ट कराने। वही चीज़ है, वो चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है, उस चीज़ की सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन ये लोग दिक्कत नहीं समझते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब अंसारी है। हाँ, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है क्या, वो मेरी बहन एडमिट है यहाँ पे, वो बच्ची यानी ICU में है, वो अंदर के मतलब मौसी लोग हैं ना, वो लोग बोलते कि मतलब 10-10 मिनट में आके बच्चों को देखने आ। मेरी बहन का ऑपरेशन हुआ है, उसको टाका लगा है, वो बार बार वहाँ से आने में उसका टाका ख़राब हो गया है, और वो जो अंदर मतलब मौसी लोग हैं वो लोग बोलते हैं 10-10 मिनट में बच्चों को आके देखने का, और तो उन लोग क्या है उसको, उन लोग की ड्यूटी नहीं है क्या? नाइट शिफ्ट में उन लोग रहते, लापरवाही करते हैं, बस इतना मेरे को बोलने लगा और कुछ नहीं। मतलब पेशेंट के साथ लापरवाही? हाँ, मतलब कैसा है अंदर, मतलब कैसा वो मौसी लोग है ना, असल में पेशेंट को टाका लगा है, अब वो कैसा दूसरे वार्ड में उसको शिफ्ट किया, बच्चा तो NICU में है, तो बार बार पेशेंट वहाँ जाता है आने में तकलीफ होती है, और मौसी लोग बोलते कहते बार बार 10-10, 5 मिनट बाद बच्चों को आके देखने ऑक्सीजन लगाएगी, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या, ये कहने का मतलब बस। अच्छा, इधर के सुरक्षा जो गार्ड के लिए तैनात किए गए उनका रवैया कैसा है? बात नहीं, गार्ड करने गार्ड का ठीक है, बाकी उनके बात करने तमीज सही नहीं है। हाँ, पास ला रहे, ये क्या ला रहे, ये क्या तरीका क्या बात करने का? हाँ, बदतमीजी से? हाँ, बदतमीजी, मतलब तरीका नहीं उनको बात करने का, हिंदी बात का तरीका नहीं उनको, क्या रहे पास दिखा रहे, ये कोई तरीका है क्या बात करने का? बस ये और कुछ उनके रवैये को सुधारा जाए, इसके रवैये को सुधारने के लिए मैं इन लोग से मतलब बोला हूँ, मैं भी वैसे उनको उनके तरीके से मैं बात किया हूँ बस। तो देखा आपने, इन लोगों ने ये कहा कि वहाँ के डॉक्टर बड़े लापरवाह है, और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड है वो पेशेंट के घर वालों से सही मुंह बात नहीं करते, सही व्यवहार नहीं करते। ऐसी और अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आरिफ अजीज, मुंबई ब्रेकिंग न्यूज़ से।